दिग्गज शहर में शुक्रवार को पालक मंत्री संजय राठौड़ ने लोकार्पण और भूमि पूजन समारोह के दौरान विभिन्न विकास कार्यों का लेखा जोखा जनता के समक्ष रखते हुए भविष्य में दिग्गज के विकास कार्यों का भी आश्वासन दिया है। पेश है दिग्गज से संवाददाता जुबेर खान की यह खास रिपोर्ट। दिग्गज शहर में शुक्रवार को पालक मंत्री संजय राठौड़ ने एक के बाद एक विभिन्न जन सुविधाओं से जुड़े विकास कार्यों का लोकार्पण तथा भूमि पूजन किया, जिसमें श्मशान भूमि के सौंदर्यीकरण, व्यापारी संकुल, क्रीड़ा संकुल, सब्जी मार्केट के लोकार्पण सहित विभिन्न सभागृहों और रास्तों के भूमि पूजन का समावेश था। बहरहाल इस कार्यक्रमों की फेहरिस्त का समापन सब्जी मार्केट के लोकार्पण से हुआ, जहां पालक मंत्री ने पहले तो मंच पर विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर बड़ी सफलता हासिल करने वाले छात्र छात्राओं का सत्कार कर उन्हें नकद इनाम राशि के चेक वितरित कर उनकी प्रशंसा की और फिर कार्यक्रम में उपस्थित लोगों से रूबरू होते हुए दिग्गज शहर में किए गए विकास कार्यों और भविष्य में दिग्गज के विकास की अपनी महत्व कांक्षाओं को जाहिर किया। येणाऱ्या काळामध्ये आम्ही प्रस्ताव तयार केलेले आहे, जसं अंडरग्राउंड ड्रेनेज, कारण शहर जुनं आहे, कंजेस्टेड आहे, आता लोकांची घर तर पाडता येत नाही, परंतु ज्या गोष्टी मग इलेक्ट्रिक पोल असेल, नाली असेल, या गोष्टी जमिनीच्या खालून करून सर्व अंडरग्राउंड जर आपण इलेक्ट्रिसिटी केली तर खऱ्या अर्थानं शहरामध्ये सौंदर्यीकरण चांगल्या पद्धतीनं करू शकतो असा प्लॅन आम्ही बनवलेला आहे आणि जवळपास 200 कोटी पूर्ण दिग्रस शहराच्या सौंदर्यीकरणाचा प्लॅन नगर परिषदेने तयार केलेला आहे, तो सुद्धा मंजुरीसाठी पाठवलेला आहे। इस कार्यक्रम में मंच पर विराजित मान्यवरों ने पालक मंत्री संजय राठौड़ की सादगी, उनकी जनहित और विकास को लेकर बेजोड़ कोशिशों की तारीफ की। वहीं पूर्व पार्षद नूर मोहम्मद खान ने संजय राठौड़ द्वारा किए गए विकास कार्यों की दास्ता बयां की। इन विकास कार्यों की दास्ता बयान करते हुए नूर मोहम्मद खान इतने भाव विभोर हो उठे थे कि उन्होंने मंच पर खड़े खड़े ही शर्त लगा दी कि इस बार भी विधानसभा चुनाव में संजय राठौड़ की ही जीत होगी। अब अभी तो इलेक्शन पीरियड चालू हो गया, जिन लोग 5 साल तक कहीं नहीं थे वो लोग आ रहे, हम खड़ रहे थे। क्या काम हो रहा बाबा तेरा, कभी 5 साल में आके ध्यान नहीं देखा आया खड़ रहने के वास्ते। तो मेरा बोलने का मतलब यह है कि संजय राठौड़ पिछले वोटों से ज्यादा चुन के नहीं आएगा तो शर्त लगाने को मैं तैयार हूँ। मैंने पहले भी बोला था 50,000 के ऊपर आएगा करके, मैंने बोला कोई भी शर्त लगाने वाला होगा तो मैं लगाता, अभी भी बोलता मैं, अगर पिछले दफा से एक वोट न क्यों ना हो तो ज्यादा वोटों से चुन के आता। कुल मिलाकर देखा जाए तो पालक मंत्री संजय राठौड़ ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर दिग्गज शहर के विभिन्न विकास कार्यों के लोकार्पण और भूमि पूजन समारोह को अंजाम देकर जनता के समक्ष अपने विकास कार्यों का लेखा जोखा रख दिया है। पालक मंत्री संजय राठौड़ को उम्मीद है कि इस बार भी दिग्गज शहर और तहसील के मतदाता जीत का सहरा उनके ही सर पर बांधेंगे। बहरहाल विधानसभा चुनाव महज कुछ सप्ताह की दूरी पर है और हार जीत को तय करने वाली गेंद अब जनता के पाले में है। NBCN न्यूज के लिए दिग्गज से जुबैर खान की रिपोर्ट।